हेलो एवरीवन, आप सभी का फूडीज फूड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मटर स्टोर करने का एक बेहद ही नया और यूनिक तरीका, जिससे मटर कभी भी ख़राब नहीं होगी और आप इसको कई साल के लिए, एक साल के नहीं कई साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। और मटर का साउंड तो आपने सुन ही लिया होगा और मटर एकदम खिली रहेगी और एकदम कंचे जैसा साउंड आएगा। ये देखिए, इस पे छोटे छोटे क्रिस्टल लगे हुए हैं। जब भी मटर स्टोर करते हैं तो क्या होता है, एकदम ईंट जैसी वो बन जाती है, एक जो मटर है एक दूसरे में चिपक जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं स्टोर करने वाली हूँ, उससे मटर एकदम खिली बनी रहेगी, एकदम अलग अलग मटर के दाने रहेंगे और बेहद ही अच्छा, जब भी आप उनको निकालोगे तो एकदम ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम मटर स्टोर करने वाले हैं दो तरीके से और दोनों ही तरीके बेहद ही आसान हैं। दोनों ही तरीके से आप जो मटर को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे करना है आइए देख लेते हैं। और इसके बाद मटर कभी भी ख़राब नहीं होगी और जब भी आप फ्रीज से मटर निकालेंगे तो एकदम ऐसे खिले खिले दाने आपको मिलने वाले हैं, कंचे जैसे। कभी भी कई बार हम ऐसी हल्की हल्की पॉलीथीन होती हैं जिनमें मटर स्टोर कर देते हैं और उसके बाद जो मटर है एकदम ऐसे चिपकी हुई मिलती है। तो इसके बाद आपको मटर कभी भी चिपकी हुई नहीं मिलेगी और एकदम खिले खिले दाने मिलेंगे। तो कैसे कैसे करना है इनको स्टोर, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा हरी मटर। मटर को मैंने छिलके से अलग कर लिया है और जो इनके छिलके थे उनको पशुओं के आगे डाल दिया है। जो भी छिलके आप फेंके ना, जो भी उन पशु उनको खाते हैं उनके आगे आप डाल सकते हैं। और मटर के दाने मैंने इधर बर्तन में ले लिए हैं। अब क्या करना है, अगर कोई ख़राब दाना है तो उसको अलग कर देना है, जिससे मटर काफ़ी लंबे समय तक चलती है और एकदम बढ़िया बनी रहती है। तो मटर स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैंने मटर के दानों को एकदम साफ़ कर लिया है। और अब ले लेंगे हम प्लास्टिक के कंटेनर। आपके घर में कोई खाली डब्बे पड़े हों तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है प्लास्टिक के कंटेनर, ये 5-5 रुपये में मिल जाते हैं, किसी भी स्वीट वाली शॉप से आप ले सकते हैं। या कभी भी हम खाना ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो इस तरीके के डब्बे में ही आता है, तो उनको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इकट्ठा डब्बे मंगवाओगे तो 2-3 रुपये में ही ये डब्बे पड़ते हैं। तो ऐसे डब्बे मेरे पास कई रखे हुए हैं, तो इन्हीं में मैं स्टोर कर रही हूँ। तो सबसे पहले सारे दाने इस डब्बे में भर लेंगे, जितने दाने आ जाएंगे उतने डब्बे में हम ले लेंगे। तो एक डब्बे में मैंने भर दिया है, ऐसे ही मैंने और भी काफ़ी सारे डब्बे भरकर रखे हुए हैं फ्रीजर में। अब इनके ढक्कन को लगा देंगे, ढक्कन इन्हीं के साथ आता है। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका फ्री में मटर स्टोर करने का। तो दूसरा तरीका है हमारे पास, अगर आपके पास इस तरीके की कोई खाली पॉलीथीन हो, क्योंकि हर घर में नमकीन तो आती ही है, तो इस तरीके की पॉलीथीन को आप फेंके ना, उनको स्टोर करके रख लें। इनके अंदर मटर बेहद ही अच्छे से स्टोर होती है। नमकीन के पैकेट में मटर स्टोर करने की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। या फिर आप इसमें मटर भी स्टोर ना करें तो इस तरीके के मटर वाले बैग में आप पेड़ भी लगा सकते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक गमले का काम करते हैं। तो फिलहाल हम कर रहे हैं इनमें मटर स्टोर। तो मैंने पॉलीथीन में मटर भर ली है। अब क्या करना है, इसका जो लॉक है उसको लगा देना है इस तरीके से। इसमें एक जिप लॉक होता है, उसको बंद कर देना है। और जब भी आपको मटर की जरूरत पड़े तो आप इसको ओपन कर लीजिए, मटर निकाल लीजिए और फिर से इसको बंद कर दीजिए। मटर इसमें भी आपको एकदम खिली खिली मिलने वाली है, एकदम दाने दाने मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको इसमें पत्थर जमा हुआ मिलेगा, क्योंकि कई पॉलीथीन में जो मटर है एकदम पत्थर की तरह बन जाती है। फायदा है कि मटर एकदम, तो ये हो गया दूसरा तरीका मटर स्टोर करने का। आप दोनों ही तरीके से फ्री में मटर स्टोर कर सकते हैं और फ्रीजर में इनको रख देना है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी 2 पॉलीथीन रखी हुई है, नमकीन वाली भी और कुछ प्लास्टिक के डब्बे भी। जब भी ज़रूरत होगी तो इसमें से मटर निकाल लेंगे और फिर से वापस फ्रीजर में ही रख देना है। तो ये था मटर स्टोर करने का आसान सा और फ्री वाला तरीका। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं मटर स्टोर। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मटर, ढेर सारी मटर गर्मियों के लिए भर कर रख लीजिए। मिलते हैं फिर से आसान सी इजी सी ट्रिक के साथ, रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।